हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय निखिल गर्ग। तो बच्चों, आज के इस प्रेजेंट लेक्चर में एक शानदार डिस्कशन होने वाली एक शानदार टॉपिक पे, और वो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जहां से एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, या तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है, या इसकी कोई रिलेशन पूछता है करंट के साथ, मोबिलिटी के साथ, इससे हम ओम्स लॉ ड्राइव करते हैं क्या है, वो चीजें आगे आगे कंटिन्यू होती जाएंगी। लेकिन आज हमें कंप्लीट बेस समझना है जीरो से कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। तो आज बच्चों इलेक्ट्रॉन फंसेगा, आज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फंसेगा। अब वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, जब वो एक आइसोलेटेड होता है, जब आपके पास एक अकेला कंडक्टर होता है, उसके ऊपर हम कोई फील्ड नहीं लगाते हैं, कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं, तो वो भैया उसके अंदर पड़े। और प्रीवियस लेक्चर में, इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट billions and billions of free electrons lies inside the conductor when you not apply the any external field, then that billions and billions of electrons move in a random direction, randomly in a zigzag manner, इधर इधर हो रहे हैं भैया, तितर बितर, कभी इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, बस भाग रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, कोई नेट फ्लो नहीं हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हमें कोई करंट भी नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही हम किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स की अक्रॉस बैटरी लगा देते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक फोर्स लगने लग जाती है, और वो फोर्स उन सारे कंडक्टर के अंदर पड़े इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को सेल और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खींच खींच के लेके आते हैं, और डिसिप्लिन में, अनुशासन में लेके आते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब वो अपनी मनमर्जी नहीं करेंगे, कहीं किधर भी जाए, कहीं किधर भी जाए, पूरे उस कंडक्टर के वॉल्यूम में जहां जगह मिल रही थी वहां भाग रहे थे, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब एक्सलरेट होते हैं, तो एक एवरेज वेलोसिटी आती है उन सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास, और वो वेलोसिटी हर एक इलेक्ट्रॉन के पास कांस्टेंट होगी। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उस कांस्टेंट वेलोसिटी से, और वो एवरेज वेलोसिटी होगी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, उनको धकेला जाएगा जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से बैटरी लगाने के बाद उसके अंदर पड़े इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब ड्रिफ्ट होते हैं, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाती है। तो उसी के बारे में आज हमारा ये मेन कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, यूनिट है, वो इंटरेस्टिंग होती जाएगी, और एग्जामिनेशन में आने वाले जो पार्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो भी इसके अंदर डोमिनेट करने लग जाएंगे। तो ध्यान देना है बच्चों, कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फंसेगा भाई आज किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कैसे फंसता है सर, वो देखते हैं, ठीक है ना। तो आर यू रेडी कि कैसे इलेक्ट्रॉन सर आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर फंसेगा। आज इसको हम अपनी मनमर्जी नहीं करने देंगे, इसको आज आप अपने हिसाब से चलाएंगे, देखो कैसे। अच्छा एक बात बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं कुछ इसके बारे में बेसिक बातें बताता हूं। बात हमेशा इसके अंदर कंडक्टर्स की होगी, बार बार मुझे कंडक्टर बनाना पड़ेगा, एल लेंथ का, ए एरिया का, करंट की बात करनी पड़ेगी। तो ये तो अंडरस्टूड रहना कि हम बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। चार्जेज आर इन मोशन, व्हेन वी गिव सम वेलोसिटी टू एनी चार्ज, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अन करंट। बात करंट की होगी, कंडक्टर की होगी, तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम बच्चों डिनोट करते हैं वीडी से, वीडी और वेक्टर क्वांटिटी। और भैया जिसके पास वेक्टर होगा, फॉर एनी वेक्टर वी नीड टू थिंग्स, वन इट्स मैग्नीट्यूड, अनदर इट्स डायरेक्शन। तो वेक्टर है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, तो डी फॉर ड्रिफ्ट, वी फॉर वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
वेरी फर्स्ट आई वॉन्ट टू टेल यू द वन बेसिक थिंग टू टेल अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताने के लिए एक बेसिक चीज़ बतानी आज जरूरी है, वो बतानी पड़ेगी. उसके बिना आप फील ही नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं कर पाओगे कि ये सर है क्या, क्या ये राम कहानी है, क्या ये झंझट है भैया, समझते हैं. तो भैया ये कंडक्टर है, मैंने बार बार बोला, मैं ये चीज़ बार बार बनाऊंगा बच्चों, ये आपका कंडक्टर है. ठीक है, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है. इस कंडक्टर के अंदर जो नीचे वाला कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है. किससे भैया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया है. और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स की जो हालत होगी ना, वो फंस जाएगा इलेक्ट्रॉन. ऊपर वाला जो है, ये मेरे पास फिगर ए है, ये फिगर बी है. ध्यान से समझना जो मैं चीज समझा रहा हूं आपको. बेसिकली इस ए कंडक्टर के ऊपर ये कंडक्टर का एंड ए है, ये इस कंडक्टर का एंड बी है, ये भी इसका एंड ए है और ये एंड बी है. बी वाले फिगर में कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस बैटरी कनेक्शन है, बैटरी जुड़ी हुई है. ए वाले में ऐसा नहीं है. लेकिन बिना बैटरी के हमने एक एक्सटर्नल फील्ड लगा रखा है, दो चार्ज प्लेट्स के बीच में रख दिया इनको. ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाओ, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट इधर रख दी, नेगेटिव चार्ज की प्लेट इधर रख दी, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में हमने कंडक्टर रख दिया. इसका मतलब भैया बिना बैटरी के हमने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया. क्या लगा दिया बच्चों, समझना मेरी बात को. हमने इस बिना बैटरी वाले कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस बाहर से बैटरी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वैसे एक्सटर्नल फील्ड लगाया हमने, रख दिया इसको एक फील्ड के अंदर. तो एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर जब किसी कंडक्टर को रखते हैं, ये जो है विदाउट बैटरी है. ठीक है ना सर, आप कह सकते हो क्या बात करते हो सर, वो तो दिख ही रहा है आपने बैटरी लगाई नहीं तो ऑफकोर्स है बैटरी होगी नहीं, इसमें बैटरी लगा रखी है, क्या बात करते हो सर, ये बैटरी है, ये विदाउट बैटरी है, विद बैटरी विदाउट बैटरी. इसमें हमने बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ. और कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं बच्चों? इस कंडक्टर के अंदर बहुत बड़ी चीज होती है, वो क्या है? वो है आपके लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और उन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हमें मूव करवाना है, और ऐसे मूव करवाना है कि वो अपनी मनमर्जी ना करें, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, एक पर्टिकुलर फ्लो दे, एक पर्टिकुलर रिजल्ट दे, वो करंट दे. हमें करंट से चाहिए मतलब. ठीक है ना, वेलोसिटी पर आएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिमाग में एक ही रहना चाहिए, समझ रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, लेकिन उसके लिए बेसिक समझना जरूरी है. बिना बैटरी के, बिना कुछ के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अब जैसे आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो इसके अंदर तो भैया नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर पड़ा है इनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा. क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, ये इधर नेगेटिव है, तो इसके अंदर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो पड़े थे वो भैया यहां से यहां माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफर करना स्टार्ट करेंगे, जमाव करना स्टार्ट करेंगे. समझना मेरी बात को, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उठकर इस एंड की तरफ आ जाएंगे और यहां यहां आके आराम से बैठ जाएंगे या एक्यूमुलेट हो जाएंगे. समझना, यहां चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है. क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन, चार्ज का डिपोजिशन हो रहा है. और जहां से उठ के आते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन अपनी साइट को छोड़ के जब जाता है वहां नेगेटिव बनाता है, और जहां से उठ के आता है वहां पॉजिटिव बनाता है. तो मेक अनदर एंड ऑफ दिस कंडक्टर विदाउट बैटरी, ऑल पॉजिटिव चार्जेस आर एक्यूमुलेटेड एट हियर. यहां पर भी क्या हो रहा है चार्ज का? दिमाग में भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी तो तभी समझ में आएगी ना जब एबीसी समझ में आएगी. सेंटेंस तभी बनता है ना जब एप और एप्पल समझ में, नर्सरी में पढ़ा था, जब हमें 20 के 26 लेटर्स जब हमें आते हैं तब हमें सेंटेंस आता है बनाना, एक्यूमुलेशन.
तो यहां एक्यूमुलेशन है किसका, पॉजिटिव चार्ज का, और वहां एक्यूमुलेशन है किसका, नेगेटिव चार्ज का। ये एक्यूमुलेशन का मतलब है इसके बाद में चार्ज और कहीं नहीं जा सकता, चार्ज माइग्रेट नहीं, चार्ज जो है वो आपका फ्लो नहीं करेगा। और चार्ज जब फ्लो करता है मतलब भैया यहां आने के बाद में इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं भैया कहां से और हो जाऊं, मैं फ्लो कर पाऊं, मैं मूव कर पाऊं, ऐसा नहीं है। जब चार्ज फ्लो करेगा नहीं तो करंट बनेगा नहीं, तब हमें जरूरत पड़ती है उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के क्रॉस बैटरी लगाने की कि उन एक्यूमुलेटेड चार्जेस को विड्रॉ करे और उनको घुमाए और सर्किट में घुमाए। और आपको पता है कि चार्ज और करंट तो हमेशा बच्चों एक क्लोज पाथ में चलता है, एक सर्किट में चलता है, कि करंट ऑलवेज फ्लोज इन ए कॉन्टिन्यूअस एंड रेगुलर मैनर इन कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ। लेकिन यहां वो पाथ नहीं बनेगा बिना बैटरी के। चलो जी, एक्सटर्नल फील्ड ने सारे पड़े इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगा के एक साइड पर इकट्ठा कर दिया, दूसरी साइड पर पॉजिटिव बना दिया, चार्ज का एक्यूमुलेशन हो गया। अब एक बात बताओ बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था व्हेन वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल फील्ड ऑन एनी कंडक्टर देन द एक्सटर्नल फील्ड starts to attract all the electrons that is present inside the conductors to one end and make that end negative and another end positive. So by this way अंदर ही अंदर एक फील्ड बन रहा है, और ये जो फील्ड बन रहा है ये ठीक बाहर वाले के अपोजिट बन रहा है। बाहर वाला ए से भी है और अंदर ये जो बना इसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड दिस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन देयर डायरेक्शंस। एक्सटर्नल और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो भैया मैं पूछूं, मैं अगर इसके अंदर एक क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो मुझे इस क्रॉस सेक्शन से नेट फील्ड मिला क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस क्रॉस सेक्शन से किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिला क्या? नहीं मिला। भैया जितना इधर जा रहा है ए से बी उतना बी से ए आ रहा है, तो नेट फील्ड जीरो है। जब बैटरी नहीं लगाते हो तो समझ जाना मेरी बात, आप लिख सकते हो बच्चों क्या यहां पे, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह आपका जीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका बच्चों? जीरो। तो ये सिचुएशन है जब हम किसी कंडक्टर को बिना बैटरी के एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है, चार्जेस जो है आगे फर्दर फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो चार्जेस विल नेवर फ्लो वंस दे एक्यूमुलेटेड एट द एंड्स। एक बार जैसी वो एंड्स पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उनके बाद में चार्जेस का माइग्रेशन नहीं होता है, फ्लो नहीं होता है, करंट नहीं बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब मेन बात पे आते हैं, तो इसको बच्चों उतार लेना आप अपने हिसाब से। अब बात करते हैं सर बैटरी के साथ, बैटरी के साथ जब इलेक्ट्रॉन्स जब कनेक्शन में आते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन्स फंस जाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की मनमर्जी सब बंद हो जाती है, बोलती बंद हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो बच्चों ये हमने वापिस एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब बैटरी क्या करती है, और ये हमने बैटरी लगाने का मतलब अब इसके ऊपर हमने लगा दिया एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड ए से बी। ये ए एंड है, ये आपका बी एंड है। और आपको पता है कंडक्टर में सबसे बढ़िया बात लार्ज नंबर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया इसके अंदर मैंने समझने के लिए अब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया नेगेटिव चार्ज पार्टी का, और ये एक्सटर्नल फील्ड इसके रास्ते में फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर क्या लगाएगा फोर्स, कि दिस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा। अब जब इस इलेक्ट्रॉन पर ये फोर्स लगाएगा तो ये भैया ड्रिफ्ट होगा,
ये इसको खींचेगा, ये धकेला जाएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को बी एंड से ए एंड की तरफ धकेल रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, और ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो उनके पास एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी है। उस कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं, एंड दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन अभी तो बहुत बात पड़ी, अभी समझते हैं धीरे धीरे, धीमे धीमे, ठीक है ना, स्लोली स्लोली, ठीक है ना, तो हम चीजों को समझेंगे बच्चों क्या है एग्जैक्टली। तो बच्चों बात करते हैं हम, जैसे ही हमने कंडक्टर को बैटरी के साथ लगाया, एक्सटर्नल फील्ड लगना स्टार्ट हो गया, फोर्स लगनी स्टार्ट होगी, और जब किसी चीज पर, अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन एक मास पार्टिकल तो होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन आपका एक मास पार्टिकल है, जब किसी मास पार्टिकल पर फोर्स लगती है तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है फिजिकल टू एम में एक्सेलरेशन आएगा। आपको पता है कि एम मास के पार्टिकल पर जब फोर्स लगती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगने का जो फॉर्मूला है वो एफ फिजिकल टू एम में, तो एक्सेलरेशन कितना आया, एफ बाई एम। और आपको पता है कि जो फोर्स लग रही है वो तो चार्ज पार्टिकल पर लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में पढ़ा था कि भैया चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगती है क्यू ई, तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी आपकी क्यू ई, क्यू इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंडर मूव कर रहा है, तो भैया एक्सेलरेशन आया क्यू ई अपॉन एम, और क्यू चार्ज है तो ये तो माइनस ई आएगा, ये माइनस ई ई अपॉन एम, ये आपका बच्चों क्या हो गया एक्सेलरेशन। आप राइट डाउन कर सकते हो, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है ये एक इलेक्ट्रॉन का नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो आइडेंटिकली मास में, चार्ज में, हर एक चीज में, तो इस कंडक्टर के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम एक्सेलरेशन से आएंगे, सबके पास इतना ही एक्सेलरेशन होगा, इसी एक्सेलरेशन से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इनको बी एंड से ए एंड की तरफ ड्रिफ्ट करेगा, खींचेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से। अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, बने रहिए, ठीक है ना। लेकिन एक बात समझना, ठीक है, जब किसी कंडक्टर को बैटरी से नहीं जोड़ा जाता है ना, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना रैंडम भाग रहे हैं, तो भाग रहे हैं तो उनके पास हर एक इलेक्ट्रॉन्स के पास अलग अलग वेलोसिटी है, और वो भाग किस वजह से रहे हैं बेसिकली आप बता सकते हो मुझे? भैया वो कंडक्टर आपका कोई ना कोई तो रूम टेम्परेचर पे है, किसी ना किसी तो तापमान पे है, तो उस थर्मल एनर्जी की वजह से, उस थर्मल एनर्जी की वजह से एक हाई वेलोसिटी से, हाई स्पीड से भाग रहे हैं इधर उधर, लेकिन इधर उधर भाग रहे हैं लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट फ्लो नहीं आ रहा है, तो नेट वेलोसिटी जीरो है, सारे एक दूसरे की वेलोसिटीज को कैंसिल आउट कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहे हैं उतने राइट से लेफ्ट भी आ रहे हैं, ये पिछले लेक्चर में बात की थी, अगर नहीं समझा तो पिछले लेक्चर को जाके अटेंड कीजिए, समझिए, इसलिए बोला है सारे सारे लेक्चर्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, कनेक्ट हैं, ठीक है। कैसा था वो, ऐसा था भी, ये आपके पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर को बिना बैटरी के जोड़ा हुआ है, ठीक है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, 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 तो जो ये पहला इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी यू वन है, इसकी यू टू है, इसकी यू थ्री है, ये यू फोर है, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में, रैंडम डायरेक्शंस में तितर बितर हो रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्यों, इनके पास कोरोना आ गई है, क्या आ गई है, ये कोरोना के डर की वजह से भाग रहे हैं, आ सारे कोरोना के डर की वजह से भाग रहे हैं, गली में कोरोना आ रहे हैं, उसके घर नहीं जाना, लिखा होता बाहर एक पोस्टर टांग दिया जाता है डू नॉट विजिट एट दिस होम, ठीक है ना, तो भैया ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस जहाँ जगह मिल रही है वहाँ जा रहे हैं, कोई नेट फ्लो नहीं चाहिए, कोई नेट करंट नहीं चाहिए इनको, हमें तो चाहिए, हमें तो फिजिक्स में चाहिए, वो तो ये देगा बैटरी देगी, ये तो बैटरी बिना बैटरी है, तो ये जो भाग रहे हैं इनके पास बच्चों जो बेसिकली वेलोसिटी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, तो आप लिख सकते हो इसकी वजह से कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव विद डिफरेंट थर्मल वेलोसिटीज, अलग अलग थर्मल वेलोसिटी से मूव करेंगे, अलग अलग थर्मल वेलोसिटी से इन रैंडम डायरेक्शन, किसमें, आप अपने हिसाब से लिख लो बच्चों, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं, इन रैंडम
डायरेक्शन। रैंडम डायरेक्शन के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अलग अलग थर्मल वेलोसिटीज से घूम रहे हैं, और किसकी वजह से? ड्यू टू थर्मल एनर्जी। आप ये भी साइड में लिख सकते हो थर्मल, क्योंकि भैया जो भी चीज पड़ी है वो हमारे रूम टेम्परेचर पर तो पड़ी है, 25 से 27 डिग्री के सेंटीग्रेड के तापमान पर तो पड़ी है। जब इतनी एनर्जी बहुत होती है, 25 से 27 डिग्री का तापमान ही बहुत होता है उन इलेक्ट्रॉन्स को चलाने में, अलग अलग डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में, जिग जैग पाथ ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ओके, लेकिन अगर मैं पूछूं U1, U2, U3, U4 n इलेक्ट्रॉन्स है, तो U1, U2, U3, U4 अप टू U1 सारे के सारे इधर उधर भाग रहे हैं, तो अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट उतने राइट से लेफ्ट, तो एक क्रॉस सेक्शन से नेट फ्लो जीरो। इतनी बात हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी, जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहे हैं उतने राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, तो नेट फ्लो जीरो, तो हमें तो कोई करंट नहीं मिला। ये थर्मल एनर्जी की वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां बैटरी लगाने के बाद में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी से, और यहां बिना बैटरी के ये जो इलेक्ट्रॉन U1 U2 U3 भैया ये जो स्पीड है ना, ये हाई स्पीड है। तो समझना, ड्यू टू थर्मल एनर्जी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज, थर्मल वेलोसिटी इन रैंडम डायरेक्शन ऑफ ना हाई मैग्नीट्यूड। तो जो थर्मल वेलोसिटी होती है बच्चों, आप लिख सकते हो, ठीक है, मैं अभी एक बार पूरी बात आपको समझा देता हूं इसकी। तो ये आप अपने हिसाब से लिख लो, मैं अपने हिसाब से सारी समझा रहा हूं ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप लिख सकते हो क्या कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बिना, आप लिख सकते हो कि इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में, जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे रैंडमली जब मूव करेंगे, तो रैंडमली मूव करेंगे ड्यू टू किसकी वजह से करेंगे? थर्मल एनर्जी की वजह से। ड्यू टू थर्मल एनर्जी, इतनी एनर्जी बहुत होती है रूम टेम्परेचर, ठीक है, विद डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ इन रैंडम डायरेक्शन। किसमें बच्चों? इन रैंडम डायरेक्शन के साथ, ठीक है ना, ऑफ हाई ऑर्डर मैग्नीट्यूड के साथ, और वो हाई ऑर्डर कितना है? 10^5 मीटर पर सेकेंड। टू एक नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, बिना बैटरी के अंदर पड़ा इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर थर्मल वेलोसिटी से घूमता? बहुत हाई स्पीड है भैया, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा क्या चीज चली अंदर इतनी स्पीड से, ऐसे शू इलेक्ट्रॉन भाई शू ऐसे इस कमरे में जैसे रॉकेट छोड़ दियो, ठीक है ना, जैसे कमरे में बहुत सारी रॉकेट छोड़ दियो, पता ही नहीं चलेगी कौन सी रॉकेट कहाँ घुस गई। 10^5 मीटर पर सेकेंड टू 10^6 मीटर पर सेकेंड की इस हाई ऑर्डर के मैग्नीट्यूड से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी की वजह से ड्रिफ्ट डिफरेंट वेलोसिटी से घूमते हैं। लेकिन बैटरी लगाने के बाद में भैया इनकी बोलती बंद हो जाती है, इनका ऑर्डर छोटा सा आ जाता है, 10^-4 मीटर पर सेकंड की ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, टकरा टकरा कोलिजन, ओम्स लॉ में पढ़ा था, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में इतना इजीली मूव नहीं करता है, दे विल हैव टू सफर सम अपोजिशन फ्रॉम द अपकमिंग स्पीसीज इन देयर पाथ, जो आने वाली स्पीसीज है उनके पाथ में, जो रास्ते में जो भी चीजें आती हैं, इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो इतनी आसानी से एक एंड से दूसरे एंड पर नहीं पहुंचता है, उसको बीच बीच में कोलाइड करना होता है, कोलिजन करता है, और जब कोलिजन करता है तो भैया वेलोसिटी कम होती है, रिटार्ड होती है, मोशन डिक्रीज होता है। तो ओवरऑल बात करूं, एक नजरिए में बात करूं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ एक कांस्टेंट एक स्मॉल वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होते हैं, और वो है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वही तो उसके लिए एक्सप्रेशन करनी है, लेकिन उससे पहले मैंने सारा बेसिक आपको समझाया है कि बेसिकली है क्या, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ठीक है, अब मेन बात करते हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अब तक तो हमारी बात थी सारे के सारे बेसिक्स के ऊपर, तो वही कंडक्टर लिया बार बार, भैया ये पिक्चर तो बने ही बनेगी, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगना स्टार्ट हुआ, लेकिन भैया बैटरी लगा रखी है, अब पॉजिटिव नेगेटिव टू ऐसे, ठीक है जी, ये एंड ए है, ये एंड बी है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है भैया, इसके अंदर बहुत सारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगी,
फोर्स लगी, क्यूई लगी, क्या लगी, क्यूई, तो आप लिख सकते हो क्यूई, एम मास है, एक्सेलरेशन आया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बैटरी के अंदर घुसने की, पॉजिटिव टर्मिनल में घुसने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव से निकलने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव में डलने की कोशिश करेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे, करंट चलता रहेगा, ऐसे ही तो करंट चलता है, लेकिन इतना ईजिली नहीं चलता, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इस बी से ए की तरफ इतना ईजिली नहीं आता। आपको पता है एक कंडक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फिक्स पार्ट, एक ऐसा पार्ट होता है जो फिक्स होता है जिसको हम पॉजिटिव पार्ट भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव पार्ट। ये कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर जो लैटिस बोलते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी, ए मेटल कंसिस्ट ऑफ लैटिस पॉइंट्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस और कर्नेल्स, इनको बेसिकली हम बात करते हैं, सही बात करते हैं फिजिक्स में, कर्नेल्स बोलते हैं इनको, कर्नेल्स। और ये कर्नेल्स बच्चों फिक्स होते हैं, ये रिमेनिंग पार्ट है, इलेक्ट्रॉन आपका रिस्पॉन्सिबल पार्ट है, मेन पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट है। तो बीच में भैया ये कोलिजन है, ये इससे टकराएगा, इनसे ही इनसे टकराएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जब बैटरी के साथ जुड़ा होता है, एक्सटर्नल फील्ड लगती है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्यों कोलाइड करते हैं, और कोलिजन से उनके पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आती है सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास, और कॉन्स्टेंट आती है, जो जो पिछले केस में बिना बैटरी के वो हाई ऑर्डर से भाग रहे थे, जैसे रॉकेट छोड़ दियो 10^5 और 6 मीटर पर सेकंड से, लेकिन यहाँ इतनी नहीं आएगी, छोटी सी आएगी, और वो छोटी सी ड्रिफ्ट आएगी, वो क्या आएगी, एक्सप्रेशन क्या है, वो प्रूफ क्या है, वो देखते हैं, ठीक है। तो इसको उतारिए बच्चों, क्या है अभी देखते हैं क्या वो। तो बच्चों एक कंडक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं, कंडक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं बेसिकली, एक वो पार्ट होता है बच्चों जो फिक्स होता है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी, लैटिस पॉइंट्स जिनको आपने पॉजिटिव चार्ज आयंस बोला था, कर्नेल्स बोलते हैं, एक आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से इस कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ नहीं चलते हैं, ठीक है बच्चों। इनको क्या करना पड़ता है, इनको बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चलते वक्त बीच में आने वाले इन कर्नेल से लड़ाई करनी पड़ती है, कर्नेल से कोलिजन करना पड़ता है। और जब इलेक्ट्रॉन जहां से चला होगा उसके पास एक वेलोसिटी होगी, और वो वेलोसिटी इमेजिन करके सोचो थोड़ी देर के लिए, कि वो जैसे इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से चला है, जब तक वो आगे आने वाली उस स्पीसी से टकराएगा नहीं, तो जस्ट उस टकराने से पहले भाई साहब उस इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी होगी तो वो कुछ ना कुछ हाई होगी, लेकिन जैसे ही टकराएगा तो वो सारी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो रिटार्ड हो जाएगी इसका। और ये प्रोसीजर एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचते वक्त, ठीक जब तक वहां ना पहुंच जाए, ये प्रोसीजर चलता रहेगा। वो इलेक्ट्रॉन चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा, ये प्रोसीजर बच्चों कंटिन्यूअस रहेगा जब तक इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं पहुंच जाते। इसका मतलब चलेगा रुकेगा, जहां जहां रुक रहा है, बीच में जहां जहां दिक्कत आ रही है वहां कोलिजन्स हो रहे हैं, और कोलिजन्स अपोजिशन का काम करते हैं, रेजिस्टेंस का काम करते हैं। इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं एक बात बोलूं कंप्लीटली, अगर एक नजर में बात करूं देखूं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे की तरफ एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं। तो जैसे मैंने किसी एक्सटर्नल फील्ड एक कंडक्टर के ऊपर लगाया, या बैटरी लगा के, एक बैटरी का कनेक्शन करके, तो हमने उसके ऊपर एक फोर्स लगाई, एक इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आया, जो मैंने अभी बोला एफ बाई एम, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चों, क्यू ई अपॉन एम, और क्यू है आपका चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन माइनस ई ई अपॉन एम, ओके बच्चों, ठीक है। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं क्या होगा, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जब चलते हैं ना, तो दे विल हैव टू कोलाइड विद द स्पीसीज कमिंग इन देयर पाथ, एंड दैट इज द कर्नेल्स। यू कैन राइट डाउन डियर स्टूडेंट्स इन योर नोटबुक अकॉर्डिंग टू योर वे, ठीक है। अब समझाता हूं कि मैं कैसे वो काम हो रहा है सारा, तो लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो बच्चों सपोज करो ये आपका मेटल का एक ब्लॉक है, एक मेटल है, ठीक है, बैटरी के साथ जोड़ रखा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये इलेक्ट्रॉन बच्चों U1 से चला, कितने से चला, U1 से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब चला ना, ऐसे मानो ये इलेक्ट्रॉन कितने से चला, U1 से, और U1 इस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, आफ्टर वन कोलिजन, एक कोलिजन के बाद, किसी एक कोलिजन के बाद में इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, U1, ठीक है। और जब तक ये दूसरा कोलिजन नहीं करता है तो ठीक नेक्स्ट कोलिजन से पहले, एग्जैक्ट बिफोर नेक्स्ट कोलिजन, द वेलोसिटी एक्वायर्ड या प्रोसेस बाय दिस इलेक्ट्रॉन इज, सपोज करो वो V1 है, U1 उस इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी तो भाई कहीं से टकरा के आया होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन भी तो कहीं मार खा के आया है, टकरा के आया है, अपना सिर जो है वहां पे फोड़ के आया है, ठीक है। तो उस एक कोलिजन के बाद में इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमने मान ली थोड़ी देर के लिए U1 है, और जब तक ये दूसरा कोलिजन नहीं करता है तो ठीक उस नेक्स्ट कोलिजन से पहले इसके पास वेलोसिटी V1 है, और U1 से V1 जो टाइम लिया उसको बोला हमने tau1। क्या बोला, tau1, समझना मेरी बात को, बड़े ही प्यार से मैं इंजॉय से इस चीज को समझा रहा हूं, और बहुत अच्छी बात है, नाजुक सी बात है। U1, दोबारा बता रहा हूं, U1 उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है किसी कोलिजन के बाद, और जब तक ये दूसरा कोलिजन नहीं करता तो उस कोलिजन से टकराने से पहले, सफर होने से पहले V1 है। तो आप क्या बोलोगे, हाँ U1 वेलोसिटी है उस इलेक्ट्रॉन की आफ्टर एक कोलिजन के बाद, और V1 क्या है बच्चों, V1 है आपकी फाइनल वेलोसिटी है उस पहले इलेक्ट्रॉन की, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर, या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर सफर नेक्स्ट कोलिजन। तो अगला कोलिजन होने से पहले जो वेलोसिटी है वो V1 है। तो U1 से V1 में टाइम लगा tau1, तो tau1 क्या है, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कवर U1 टू V1, U1 से V1 कवर करने के लिए उस टाइम लगा वो tau1। इसी तरीके से बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी कर रहे हैं, भैया ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसकी किसी एक कोलिजन के बाद में वेलोसिटी U2 रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी, तो दूसरा कोलिजन होने से पहले इसके पास V2 रही होगी, टाइम लगा होगा tau2। U2 U1 ये क्या है, ये U1 U2 जो है ये आपकी जो है बच्चों क्या है, थर्मल वेलोसिटीज हैं, ठीक है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटीज हैं, और V1 V2 टकराने के बाद उनकी फाइनल वेलोसिटीज हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से समझना। तो अब बात करते हैं हम कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी सर आएगी कैसे, डेरिवेशन कैसे आएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो बच्चों ये हमने कंडक्टर लिया, ठीक है जी, वापिस बार बार बना रहा हूं, बार बार बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी ली, ए एंड लिया, बी एंड लिया, इलेक्ट्रॉन्स चले, और ऊपर क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके बच्चों, ठीक है। अच्छा ये बताओ V1 क्या है, V1 है आपकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन U1। फर्स्ट इक्वेशन आपने पढ़ी है ना, न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है +1 क्लास में और 9th क्लास में, V=U+AT। तो पहले इलेक्ट्रॉन की बैटरी से कनेक्ट है, पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी U1, ए एक्सेलरेशन तो सारे इलेक्ट्रॉन का बराबर रहेगा भैया, ए रहेगा, ए tau1, tau1 क्या, टाइम टेकन बाय द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन या वन इलेक्ट्रॉन टू कवर टू चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम U1 टू V1। U1 उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है किसी एक कोलिजन के बाद, और ये थर्मल वेलोसिटी है, और V1 वेलोसिटी है बैटरी खींच के लेके आ रही है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। V2 क्या बच्चों, ठीक है, V2 क्या आपका, V2 आपका U2 A tau2, सेकंड इक्वेशन। ये V2 क्या है, ये V2 सेकंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, U2 उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। तो ऐसे ऐसे करते करते nth इलेक्ट्रॉन की मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी UN से A tau N, ठीक है। अब इन सारी इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं, देखते हैं बच्चों क्या मिलता है, समझ में आया मैंने क्या लिखा है, V1 = U1 A tau1,
V2 is equal to U2 plus A tau 2 and Vn से लेके U1 plus A tau n, ठीक है। तो बच्चों अब हम इन सारी इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं, देखते हैं सर क्या मिलता है। कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो विदाउट हेजिटेशन आप मुझे पूछ सकते हो। तो भैया V1 प्लस V2 प्लस V3 से लेकर अप टू Vn, ठीक है, मैंने क्या कर दिया बच्चों, मैंने उन सारी फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज ले लिया। क्या ले लिया? अब आपको क्या करना है, उन सारी इक्वेशंस का आपको एवरेज लेना है। एवरेज तो इधर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो भी लेफ्ट में या राइट में है, जितने भी टर्म्स हैं ऐड करके उन सबका एवरेज ले लो। और इधर क्या आएगा, इधर सारी इनिशियल वेलोसिटीज का एवरेज आएगा, U1 प्लस U2 से लेकर अप टू U1 बाय N, ठीक है बच्चों। प्लस क्या आएगा, प्लस आपका एक्सेलरेशन और उन सारे, और यहां पर भी तो जो टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री टाउ फोर अप टू टाउ एन, टाउ वन पहले इलेक्ट्रॉन के द्वारा टाइम टेकन है, और इसको बोलते हैं क्या, ये टाउ क्या है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं बच्चों इस टाउ को, लिख सकते हो आप रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। पेपर में अलग से डेफिनेशन पूछी जाती है कि ये जो टाउ है ये क्या है, तो भैया वो टाउ वन टाउ टू सारे मैंने ऐड करके मैंने लिख दिया टाउ वन प्लस टाउ टू से लेकर अप टू टाउ एन बाय एन। ओके बच्चों, ठीक है। और यहां पर भी एक्सेलरेशन के ऊपर हम वेक्टर लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो V1, V2, V3 अप टू Vn बाय n, उन सारे nth n इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज ही हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा। इस कंडक्टर के अंदर जैसे ही हम किसी कंडक्टर को बैटरी से जोड़ देते हैं, उसके अंदर पड़े इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एवरेज वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और ये जो वेलोसिटी होती है ना, ये एक स्मॉल और कांस्टेंट वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से यहां नहीं आएगा जो मैंने अभी बताया, ये बीच बीच में टकरा टकरा के आएगा। तो लगातार दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, आपका डिफाइन कर सकते हो कि टाइम इंटरवल, यस बच्चों, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, लगातार दो कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा इज नोन एज योर रिलैक्सेशन टाइम। सर ये दो इंटरवल्स, ये जो टाइम इंटरवल है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल क्या है सर, ये कैसे रिलैक्सेशन टाइम बना? भैया मान के चलो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चला, इस इलेक्ट्रॉन ने यहां कोलिजन किया, तो ये मान के चलो एक कोलिजन हो गया। जब यही इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरी जगह कोलिजन करेगा तो ये दो कोलिजन से पहले, दो कोलिजन से पहले कितने समय तक ये टकराया नहीं है, कितने समय तक ये रिलैक्स रहा है, नाम से ही कहिए रिलैक्सेशन मोड में रहा है। फॉर हाउ मच टाइम ए गिवन इलेक्ट्रॉन या एन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स रिलैक्स टू सफर सक्सेसिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन, लगातार दो कोलिजन्स सफर होने से पहले आपका भाई साहब वो इलेक्ट्रॉन कितने समय तक रिलैक्स मोड में रहा है, इंजॉयमेंट मोड में रहा है, टकराया नहीं है, वो आपका टाइम है रिलैक्सेशन टाइम, नाम से ही क्लियर है रिलैक्स मोड में रहा है, ठीक है। अब हम इन सारी वेलोसिटीज का बच्चों हम एवरेज ले लेते हैं, तो क्या आएगा, इधर जो आप एवरेज ले रहे हो वो सारी फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज है, तो इधर क्या आएगी, तो ये जो आएगी ना आपकी, यही आपकी बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, द एवरेज वेलोसिटी विद विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी is known as your drift velocity and it is of the small order of 10^-4 meter per second. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड करना पड़ेगा, टकराएंगे तो उनका मोशन रिटार्ड होगा, ठीक है ना। आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि उन लगातार दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन फास्ट ट्रेवल करेगा, नहीं,
दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्मॉल वेलोसिटी से ट्रेवल करके हम मानते हैं। ओवरऑल जब हम मानते हैं तो हम ये मानते हैं, आपको ऐसा लगेगा, बार बार बता रहा हूं, कि लगातार दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन जो एक हाई वेलोसिटी से गया टकराने से पहले, लेकिन जब ओवरऑल देखते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे की तरफ एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आते हैं टकरा टकरा के, और वो एक कॉन्स्टेंट पर्टिकुलर बन जाती है जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आया, और ये क्या भैया, ये तो अभी बात की थी बिना बैटरी के बिना किसी उसके, ये उन सारी इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज है। तो ये क्या आपका, ये आपका है un, और ये आपका एवरेज, एवरेज आपकी थर्मल, एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, एवरेज थर्मल वेलोसिटी आपकी जीरो है। यहां आप ऐसे लिखोगे, ये u एवरेज थर्मल, और एवरेज थर्मल वेलोसिटी अभी बात की थी, सारे इलेक्ट्रॉन्स बिना बैटरी के कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, जितने लेफ्ट से राइट उतने राइट से लेफ्ट, तो कोई नेट फ्लो नहीं है किसी क्रॉस सेक्शन में, तो नेट वेलोसिटी जीरो है। ए ए ये क्या है, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा अलग अलग जो लिया गया टाइम उन सब का एवरेज है, तो ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बच्चों, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इतना आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम अपनी एक्सप्रेशन पे आ रहे हैं, क्या है, तो मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, आज हमने पूरा खोल के छोड़ दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, ये तो जीरो होता है, ये तो जीरो है हमारे पास एवरेज थर्मल वेलोसिटी, क्यों, नेट वेलोसिटी तो है ही नहीं, जीरो है, और एक्सेलरेशन तो अभी निकाला है माइनस ई अपॉन एम इंटू टाऊ टाऊ, आई बस समझ में। और बच्चों अब हम इसको जीरो को हटा देते हैं, ये आ गई हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो था हमारा आज का ये टॉपिक, ये लेक्चर। वीडी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। ओके बच्चों, तो ये था आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से किसी भी सिंगल बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है, अगर है भी तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर कोई सजेशन है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी, तो आई लाइक योर सजेशन फॉर माई बेटरमेंट, तो बच्चों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, जितना हो सके मैक्सिमम सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी प्यार के साथ जितना आप मुझे प्यार दे रहे हैं और आपके इस प्यार की वजह से ही मैं ऐसे लेक्चर्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि मैं कॉन्टिन्यूसली इस चीज़ को लेते चलूँ, ठीक है, और आपका पूरा कोर्स अच्छे से मैं यहाँ करवाऊँ, ठीक है। तो बच्चे जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसकी रिलेशन पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की करंट के साथ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।